हेलो एवरीवन, आज मैं एक बोट्स जो फिशिंग बोर्ड है वो मैं वाटर कलर में ड्रॉ करूँगा। आप देख सकते हो मैंने पहले से ही एक स्केच कर रखा है और मैंने कलर स्टार्ट कर दिया है। मैंने जो आसमान है आसमान से ही कलर स्टार्ट किया धीरे धीरे करके, और फर्स्ट वॉश में मैंने कोशिश कर रहा हूँ जो पेपर वाइट है, पेपर वाइट को रिमूव करने के लिए मैं हल्का सा एक वॉश देने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने 1 इंच वाला जो फ्लैट ब्रश है, फ्लैट ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। और यहाँ पर जो ब्लू शेड आपको दिख रहा है वो ब्लू शेड है पेंस ग्रे, उसके साथ थोड़ा सेरुलियन ब्लू मिला के मैंने ब्लू शेड जो है उसको देने की कोशिश की। और आपका जो येलो शेड दिख रहा है वो येलो शेड है नेपल्स येलो, उसके साथ थोड़ा आपका जो पोर्ट्रेट पिंक है पोर्ट्रेट पिंक मिला के मैंने जो ब्लू शेड है ब्लू शेड में यूज़ किया। और मेरा जो कलर पैलेट है, जो मेरा वीडियो देखता है तो उसको पता है मेरा कलर पैलेट क्या है। पिछले वाले वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया, जो वीडियो देखता है उसको तो पता ही है, नहीं तो आप पिछले वाले वीडियो देखकर आपको पता लगेगा मेरा कलर पैलेट क्या है, आपको पता लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने जो पेपर यूज़ कर रहा हूँ, ये पेपर है इंडियन हैंडमेड नॉर्मल सा 200 GSM वाला और मैट फिनिश वाला जो, और आप देख सकते हो यहाँ पर जो पानी का जो लहर है, मैंने गीला रहते ही पानी का जो लहर है उसका कुछ स्ट्रोक दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सॉफ्टनेस के लिए मैंने गीला रहते ही स्ट्रोक दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं पूरा सूखने के बाद, ड्राई होने के बाद ऊपर से ही फिर से स्टार्ट किया। और यहाँ पर मैंने जो एक कैलीग्राफी चाइनीज ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, बैकग्राउंड में मैंने, आप देख सकते हो बैकग्राउंड में मैंने यहाँ पर पेंस ग्रे के साथ थोड़ा बाणसाइना मिला के जो बैकग्राउंड है बैकग्राउंड में थोड़ा कलर देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखते धीरे धीरे देखते रहिए। और ऊपर से नीचे तक मैं एक हल्का सा जो बैकग्राउंड है बैकग्राउंड में कलर दे रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर आपका ब्रश स्ट्रोक्स एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर इस पेंटिंग में ब्रश स्ट्रोक्स का एक बहुत बड़ा रोल है। मिडिल ग्राउंड में जो ब्रिज आपको दिख रहा है, ब्रिज करने के टाइम कि आपको ब्रश स्ट्रोक्स का ही ज़रूरत होता है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक 0 नंबर का मॉप ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, और छोटा छोटा जो लकड़ी की बनी हुई जो ब्रिज है वही ब्रिज को मैं कर रहा हूँ हल्के से धीरे धीरे करके। अब देखिए कैसे मैंने ब्रिज को कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक एडवांस जो स्टूडेंट है उसके लिए वीडियो, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ज़्यादा डिटेलिंग उतनी ज़्यादा हर जगह फोकस नहीं कर रहा हूँ। और पीछे दूर में जो बोर्ड है बोर्ड को मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर बोर्ड के अंदर मैंने पेंस के उसके साथ पोर्ट्रेट पिंक मिला के मैंने दिया। और आप देख सकते हो बोर्ड के साथ ही कलर देने के साथ ही मैंने उसका जो शैडो है उस कलर के साथ ही मैंने शैडो को कर दिया, ठीक है। ये एक टेक्निक है बोट करने की, जो क्या बोलते हैं जो मास्टर आर्टिस्ट है बोल सकते हो, वो आर्टिस्ट इस टेक्निक को यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लेफ्ट साइड में जो पीछे वाला जो बुशेस है वो बुशेस को कर दिया मैंने। उसके बाद बोट के ऊपर जो लकड़ी है आप देख सकते हो लकड़ी को मैंने कर रहा हूँ यहाँ पर, मैंने बाणसाइना के साथ पेंस ग्रे मिला के और थोड़ा ऑरेंज मिला के मैंने यहाँ पर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक टू नंबर का मॉप ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, और छोटा छोटा जो तार है वायर है बोर्ड के ऊपर उसके लिए मैंने एक रिगर ब्रश इस्तेमाल कर रहा हूँ धीरे धीरे करके। अब देखिए कैसे मैंने इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है।
आप देख सकते हो, या फिर मैंने छोटा बड़ा करके जो ब्रश स्ट्रोक्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ अच्छे से। आपको जब आपका ब्रश स्ट्रोक्स अच्छा हो जाएगा ना, आपका पेंटिंग धीरे धीरे करके अच्छा होने लगेगा। ब्रश स्ट्रोक्स का एक वैल्यू कंपोजिशन, ये तो एक ठीक है, वो तो एक बेसिक सा है, बस आपका जो ब्रश स्ट्रोक्स मैच्योर हो जाएगा धीरे धीरे करके, आपका पेंटिंग भी धीरे धीरे करके मैच्योर होने लगेगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर ब्रश स्ट्रोक्स का ही एक खेल है। अब मैं बोट को कर रहा हूँ धीरे धीरे करके। आप देख सकते हो यहाँ पर तीनों ग्राउंड है, बैकग्राउंड, मिडिल ग्राउंड, फोर्थ ग्राउंड। बैकग्राउंड में बूसेस है दूर के, और मिडिल ग्राउंड में जो लकड़ी की बनी हुई जो ब्रिज है वो है, और एक छोटा सा बोट। और फोर्थ ग्राउंड में आपको दिख रहा है ये तीनों जो बोर्ड है, फिशिंग बोर्ड, ये बोर्ड है। और तीनों का वैल्यू अलग अलग है। एकदम पीछे वाला जो है बैकग्राउंड में, उसका वैल्यू जो होगा उससे थोड़ा ज़्यादा होगा मिडिल ग्राउंड में, और उससे थोड़ा ज़्यादा होगा फोर्थ ग्राउंड में जो है उसका वैल्यू, ठीक है। यही आपको मेंटेन करना है वैल्यू के अंदर, और जहाँ पर आपका पॉइंट ऑफ फोकस होगा वहाँ पर कंट्रास्ट ज़्यादा होगा, ठीक है, सॉरी वैल्यू नहीं, वहाँ पर कंट्रास्ट ज़्यादा होगा। और आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक स्प्रे यूज़ की, क्योंकि गर्मी के वजह से ये जल्दी सूख जाता है, इसलिए मैंने स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ कुछ कुछ जगह में। और यहाँ पर बोर्ड के अंदर जो मैं कलर यूज़ करूँ ये है पेंट्स ग्रे, उसके साथ थोड़ा ब्लू ग्रे, और उसके साथ थोड़ा आपका क्या पोर्ट्रेट पिंक मिला के मैंने यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और आप देख सकते हो मैंने वो छोटा वाला जो बोर्ड मैंने जैसे ही किया इसको, इस बोर्ड को मैंने वैसे ही गीला रहते ही मैंने उसका जो शैडो वाला पैड है, शैडो पैड है जो बोर्ड का, जो शैडो है शैडो को कर रहा हूँ। और शैडो में मैंने पेंट्स ग्रे उसके साथ क्या थोड़ा आपका क्या बोलते हैं उसको बनसाना मिला के मैंने दे रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने गीला रहते ही उसका जो पानी का जो लहर है, बोट का जो शैडो है शैडो को कर रहा हूँ, क्योंकि सॉफ्टनेस के लिए मैंने ऐसा ही टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ। और आप देख सकते हो जो मास्टर पेंटर है, मास्टर आर्टिस्ट है, वो ऐसा ही टेक्निक यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना। और मैंने जो पानी का जो लहर है लहर को कर रहा हूँ। और यहाँ पर भी ब्रश स्ट्रोक्स का ही एक खेल है। आप देख सकते हो ब्रश स्ट्रोक्स के अंदर ही आपका जो पानी का लहर है उसको मैंने बुझा रहा हूँ कैसे होता है पानी का लहर, धीरे धीरे करके। और ये फिर एक फ्लैग है बोट के ऊपर, फ्लैग मैंने कर रहा हूँ धीरे धीरे करके। बोट के ऊपर थोड़ा कुछ लिखा हुआ है उसको मैंने, और यहाँ पर मैंने एक रिगर ब्रश यूज कर रहा हूँ, ये सिंथेटिक गियर वाला नॉर्मल सा ही है एक, ठीक है। थोड़ा मैंने चाइनीज वाइट यूज़ की कुछ कुछ जगहों में हाईलाइट करने के लिए, थोड़ा ज़्यादा नहीं। एक पेंटिंग में आप 2% व 1% आप चाइनीज वाइट यूज़ कर सकते हो, जो मास्टर पेंटर कहते हैं। अब और यहाँ पर मैंने देख सकते हो जो ऊपर लकड़ी है, लकड़ी की जो शैडो है शैडो को मैंने कर दिया थोड़ा जगहों में। मेन मेरा जो पॉइंट ऑफ फोकस है फोरग्राउंड में जो तीनों बोर्ड है बोर्ड के ही है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।